सिख और कांग्रेस अध्यक्ष हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको जोड़ने की बात करते हैं, और दूसरी जगह कर्नाटक में उनके ही मुख्यमंत्री हिंदुओं में बंटवारा करने की बात करते हैं। इतना बड़ा अंतर विरोध किसी राजनीतिक दल में मैंने नहीं देखा है। भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर है, ढेर सारी चीजें भ्रष्टाचार के कहने के लिए हैं, मगर मैं डिटेल में नहीं जानना चाहता क्योंकि कर्नाटक की जनता का परसेप्शन बन चुका है कि यह भ्रष्टतम सरकार है। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज ने कहा कि भ्रष्टाचार के लिए अगर स्पर्धा कर ली जाए तो येदुरप्पा सरकार को भ्रष्टाचार में नंबर 1 सरकार का अवार्ड देना होगा।